हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ परफेक्ट हेयर कट कैसे किया जाता है और बड़ी आसानी से बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं फोटोशॉप ऑन कर लेता हूँ। ये जो फोटोशॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 2020 का फोटोशॉप है। तो फाइल ओपन करके मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। मुझे लगता है ये फ़ोटो ये इस काम के लिए अच्छा है। पेंटुल में क्या होता है, पेंटुल में सिर्फ ऐसे नॉर्मल कट हम कर सकते हैं, पर ये बालों को कट कैसे करें। तो मुझे पहले क्या करना, मैं एक काम करता हूँ, इस टूल से कट करता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से। पहले वाले फोटोशॉप में ये क्विक सिलेक्शन टूल था और मैजिक वन टूल था। जो 2020 का नया जो फोटोशॉप है इसमें ये टूल एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए कितने अच्छी तरह से ये कट हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, ये जैसे ये यहाँ पे और यहाँ पे सही तरीके से कट नहीं हुआ है, ये बाहर निकल गया है, ये अंदर का भी कट नहीं हुआ है। तो इसको पेन टूल से कट करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है, फिर भी ये परफेक्ट नहीं आएगा। तो मुझे अब क्या करना है, थोड़ा इसको सिलेक्ट पे जाना है, सिलेक्ट पे जाके सिलेक्ट एंड मास्क पे जाना है। अब ये दिख नहीं रहा है तो यहाँ से व्यू चेंज कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, रेड वाला ले लेता हूँ जो अच्छी तरह आए। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिफाइन टूल को सिलेक्ट करना है और धीरे धीरे बैकग्राउंड को इरेज करते जाना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड इरेज हो रहा है। ये बिल्कुल जैसे मानो जैसे मैजिक हो। मुझे ये टूल बहुत पसंद है। ऐसे ही पूरी जगह पे करना है जहाँ पे ऐसे बाल बिखरी बिखरी हुई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ऐसे वो ओपेसिटी चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, स्मूथ हार्ड ये चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। तो मुझे ये बिल्कुल ठीक ही है, यहाँ से मुझे नहीं चेंज करना है। यहाँ पे आउटपुट सेटिंग पे क्लिक करना है। क्या करना है, डिकम्प्रोमाइज कलर्स पे क्लिक कर देना है और न्यू लेयर विथ हेयर मार्क्स, नहीं मुझे यहाँ पे सिर्फ न्यू लेयर करना है एंड ओके। देखिए कितने अच्छी तरह से ये कट हो चुका है बाल। अब मैं इसमें कोई भी बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। मैं कोई भी बैकग्राउंड एक मैं एडिट कर देता हूँ। में से मैं कोई भी बैकग्राउंड ले सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, ये बैकग्राउंड लेके मैं चेंज कर देता हूँ। कोई बात नहीं, आ गया तो कोई बात नहीं। ये यहाँ पे लेयर में जाके लेयर को कितनी अच्छी तरह से अच्छी कितना अच्छा लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा। अब इसका कुछ कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना, बैकग्राउंड को थोड़ा जूम करना है, मुझे कंट्रोल टी दबा के बैकग्राउंड को सेट कर देना है। ओके ओके, तो मुझे क्या है, इसको बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं खा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो
ये बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहा, ज़्यादा ब्राइटनेस ज़्यादा है और कलर भी थोड़ा चेंज करना है, तो मुझे बैकग्राउंड क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद पहले ब्राइटनेस आ लेता हूँ, ये ब्राइटनेस है, यहाँ से बढ़ा रहा हूँ तो एक साथ बैकग्राउंड के साथ ही बढ़ रहा है। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये दिख रहा है, जैसे इसी में कैच करेगा, ये बैकग्राउंड जैसा जैसे रहेगा। तो मुझे क्या है, ब्राइटनेस को थोड़ा कम कम कर देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा कम कर देता हूँ। हाँ मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा है, तो कलर को थोड़ा मैच कर देता हूँ। तो फिर से मुझे इसी ऑप्शन पे जाना है, जाके कलर बैलेंस पे जाके क्या करना है, कलर बैलेंस पे जाके कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसे मैच का है जैसे, थोड़ा रेड कर देता हूँ क्योंकि इधर इस साइड में रेड है, तो थोड़ा येलो टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो बस ये नॉर्मल है। अब इसमें भी मैं जैसे इसके बाद भी इसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे लाइटिंग इफेक्ट होता है, बहुत कुछ होता है वो, तो जैसे काम कर सकेंगे उतना अच्छा होगा, जितना टाइम दे सकेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये बस नॉर्मल एक वर्क है, कैसे बालों को कट करके एकदम परफेक्टली चेंज किया जा सकता है। तो ये रहा, तो ठीक है, ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।